नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। राजेंद्र नगर डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद मुजम्मिल अहमद ने सुलेमान नगर डिवीजन टीआरएस पार्टी ऑफिस पर न्यूली इलेक्टेड सुलेमान नगर डिवीजन प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद तौफीक अली, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख मतीन की गुलपोशी करके मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट्स मोहम्मद जहीर, सैयद अमीर, डिवीजन यूथ प्रेसिडेंट शेख सद्दाम, डिवीजन महिला प्रेसिडेंट फहमीदा बेगम, डिवीजन महिला वाइस प्रेसिडेंट मसरत फातिमा, शास्त्रीपुरम डिवीजन इंचार्ज मोहम्मद शौकतुद्दीन, अत्तापुर डिवीजन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम भाई, हमीद खान तफजुल भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की ये रिपोर्ट। पहले ऊपर की सीट होता दो मैडम के बाजू आ सलीम भाई को दसा मिल बेटे के पर का है था छोटा बेटा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अजीज़ मिल्लत, हमारे हयात मिल्लत हल्के असम्बली की प्रकार गौर साहब ने हमारे को डिवीज़न प्रेसिडेंट का ऐलान कर दिया गया है। इंशाल्लाह हम हमारे को जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, इंशाल्लाह हमसे अभी तक जो भी काम नहीं कराया होगा डिवीज़न से, उससे ज़्यादा काम करा के डेवलप ला के बताएंगे। और हमारे साथियाँ पूरे कमेटी के जितने भी भाई है, हमारे सैयद मुजम्मिल भाई साहब, मतीन भाई और हमारे जहीर भाई साहब, अमीर भाई साहब, सलीम भाई, ये तमाम मेरे साथियाँ जितने भी मेरे साथ ठहरे हैं, और हमारी बहन मसरत मैडम, मसरत मैडम रजिया आलम और दिगर साथियों, सबकी मेहरबानी से इतना डेवलप करके बताऊँगा, देखते रह जाना। हमारा MLA जितना काम करा था उससे ज़्यादा काम कराऊँगा मैं, बेफिक्र रहिए। बस्ती के हद तक हमारे को अच्छा मौका मिला आपके, हम कुछ जो प्रेसिडेंट बनाए और साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी बहुत अच्छे मिले हैं हमारे को, और काम इतना डेवलपमेंट आएगा, लोग परेशान होना के लोग अभी तक कोई डिवीज़न प्रेसिडेंट नहीं करा। हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद तौफीक अली साहब और हमारे शेख मतीन साहब, हम दोनों करके बताएंगे क्या है क्या नहीं। हमारी कमेटी घट है और घट रहेंगी, इंशाल्लाह हमारी कमेटी बहुत फेमस हो जाएंगी। राजेंद्र म्यूनसिपाल्टी में 6 डिवीज़नों में फर्स्ट डिवीज़न सुलेमान नगर ही रहेगा, इतना डेवलपमेंट करके बताएंगे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के सदर जनाब तौफीक अली साहब को, जनरल सेक्रेटरी उभरते खायद डायनामिक लीडर जनाब शेख मतीन भाई को, और मेरे भाई जनाब हमारे अमीर भाई को, जहीर भाई को, और ये इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले शौकत भाई, मेरे खातून लीडर रजिया मैडम, मसरत मैडम, इन तमाम का भी मैं खैर मुकदम करता हूँ। सलीम भाई यहाँ के सीनियर खायद खान साहब, इन तमाम का मैं मशकूर हूँ जो आज हम मुझे यहाँ पर ये मौका दिए। मेरी जानिब से आज इस महफिल का या इस चीज़ का एहतमाम किया गया। सबसे पहले मैं टी प्रकाश गौर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनका चॉइस बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी बार बार इस अहदे पर रहेगा तो इस अहदे का मज़ा नहीं आता। ये लोग भी परसों हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं MLA MP के, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किए जनाब तौफीक अली साहब, शेख मतीन भाई और दिगर कायदीन, क्योंकि इनकी इन मेहनत की तोसु से आज इस पोस्ट का उनको ऐलान किया गया। सरकारी तौर पे ये कैंडिडेट
ये जो जो सदर बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं, प्रकाश गौड़ साहब ने ऐलान किया है। टीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सरबराह केसीआर साहब सेकुलर कायद हैं, मुसलमानों को बहुत से स्कीमात का ऐलान किया है जिनमें शादी मुबारक मेन स्कीम है, उसके बाद घरों का हो गया और रमज़ान के गिफ्ट वगैरह का, और से बहुत से बच्चे जो नादार जो अपने पैरों पर नहीं ठहर सकते, तालीम हासिल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। मैं यहाँ के सीएम केसीआर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि मुझे भी एजाज़ है उनके साथ काम करने का। मैं सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने उनके साथ बहुत अरसा काम किया, ये मुझे एजाज़ है यहाँ के राजेंद्र नगर के लिए भी क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा आदमी मौजूद है जो केसीआर साहब के साथ काम किया। मैं यहाँ के और भी कायदीन का मुबारकबाद देता हूँ जो मेरे साथ, मुझे दिली ख्वाहिश से, मेरे दिल से इस मैंने तहनीती जलसे का अहतमाम किया हूँ, जनाब तौफीक अली साहब का, शेख मतीन साहब का, जहीर भाई का, ये अमीर साहब का, और हमारे दीगर खातून हजरात का, और इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जनाब शौकत भाई का, और रही हमारी अलायंस पार्टी का भी शुक्र अदा करता हूँ जहाँ के एक अच्छे नौजवान कायद को मौका दिलाने में अहम रोल अदा किए, जनाब मुबीन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुबीन साहब जो MIM के एक डायनामिक उभरते कायद हैं, मेरी उनको हर भरपूर तायद रहती है हर वक्त क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, गरीबों की मदद हो गई, शादी ब्याह की तकारीब हो गया, या गरीब शादियों की मदद हो गई, या तालीम का हो गया, मैं उनको देखता हूँ उनका जो जज्बा है, मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ, उनकी खिदमत को भी। हम यहाँ पर दोनों पार्टियाँ भी मिलजुल कर काम करने का अज़्म रखते हैं। मैं तमाम जो भी शुरका है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार दिल की गहराइयों से, यहाँ के सदर तौफीक, शेख मतीन साहब, जहीर भाई, अमीर भाई, शौकत भाई और खातून लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मुझे जो मौका दिया यहाँ पर।